सो हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार पसंद पे। तो देखिए गाइस, आज जो है मेरे पास एलईडी लाइट जो है 9 वोल्ट का और जो है रिपेयर होने के लिए आया है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार से इस एलईडी को रिपेयर करेंगे। तो मेरी चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और नोटिफिकेशन जल्दी से ऑन कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेम आए सीरीज से एक बार सीरीज दे दें। तो देखिए इसमें कुछ भी ग्लो नहीं कर रहा, आपको इसे शॉर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। आपको शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए गाइस इसे जो है मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ और मेरा सीरीज बल्ब आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए वहाँ पे मेरा सीरीज बल्ब है और अब जो है इसे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा सीरीज बल्ब जल जा रहा है इसे शॉर्ट करने पर, तो इसमें लाइन आ रहा है। और अब जो है इसे एक बार टेस्ट करेंगे, इसे एक बार आपको लगा दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइट है बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफ्यूज़र निकाल लेंगे। डिफ्यूज़र निकालने के बाद जो है देखिए इसका साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका 2 LED शॉर्ट है और ये वाला भी, तो इसे मैं शॉर्ट कर दूंगा तो ये लाइट जो है चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद इस ये प्रॉब्लम जो है फिर से आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसका पूरा का पूरा प्लेट ही चेंज कर दें एलईडी वाला। तो इससे सबसे पहले इसका दोनों रंगा को निकाल लेंगे वायर को, तो इसे आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिएगा इसमें जो है इन दोनों वायर को निकाल लिया हूँ और अब जो है इन दोनों नट को खोलेंगे। तो चलिए इसे खोल लेते हैं और खोलने के बाद जो है इसमें हम नया प्लेट लगाएंगे एलईडी वाला। तो देखिए नट खुल गया और इस प्रकार से इसे भी खोल लेंगे। ये रहा फ्रेंड्स, और अब जो है ये निकल गया और इसकी जगह हम 9 वोल्ट का नया प्लेट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है इसकी जगह इस वाले प्लेट को लगाऊंगा 9 वोल्ट का। तो चलिए इसे लगाते हैं, लेकिन इसमें लगाने से पहले जो है इसमें हीट सिंक कंपाउंड लगाएंगे। तो मैं जो है इसमें हीट सिंक कंपाउंड लगा दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप भी लगा लीजिए और लगाने के बाद जो है इसको इसमें फिट कर देंगे एलईडी में। ये हो गया फ्रेंड्स, इसमें जो है मैं इसे लगा दिया हूँ और अब जो है इसमें इसे फिट करेंगे। तो इसका दोनों वायर बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद जो है इन दोनों स्क्रू को अच्छे तरीके से इसे टाइट कर देंगे। आपको लूज रखना नहीं फ्रेंड्स, अगर लूज रखोगे तो इसका हीट जो है पूरे एलईडी में नहीं फैलेगा और एलईडी का जो पत्ता है ये भी ख़राब होने का चांस रहता है। तो इसे अच्छे तरीके से इसे टाइट कर देंगे। देखिए फिर मैं जो इसे टाइट कर दिया हूँ और इस तरह दूसरे स्क्रू को भी लगा दिखाता हूँ। तो देखिए फिर मैं जो है इन दोनों स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर दिया हूँ और अब जो है इसमें सोल्डिंग करेंगे इन दोनों पॉइंट में। में इस तरीके से आप इसे सोल्डिंग कर लीजिए और करने के बाद जो है इसका प्लस माइनस देख के आप जो है इसे लगा लीजिए। तो देखिए इसका रेड कलर का जो वायर है ये माइनस का है और इसे प्लस में प्लस और माइनस में माइनस जोड़ देंगे इस तरीके से। और इसे भी जो वाइट वाला वायर दिख रहा है इसे प्लस में जोड़ देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स हमारा एलईडी अब जो है पूरी तरीके से चालू होने के लिए रेडी हो गया है। तो इसे चलिए टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो एलईडी है ये अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।